हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में होमोजीनियस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने केस वन का क्वेश्चन देखा था, एक केस टू का क्वेश्चन देखा था। तो केस वन के लिए हमने सॉल्व करे थे दो क्वेश्चन, जिसमें ट्राइवल सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, ये हमने देखा था। आज हम इस वीडियो में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें भी दो केसेस हैं। जो केस टू है उसके दो पार्ट हैं। जब एडजॉइंट ए निकाल, जब आपका डिटर्मिनेंट जीरो आया, तो उसके बाद आप चेक करेंगे कि एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करके बी से अगर वो जीरो आता है या नॉन जीरो आता है। अगर वो इनटू करके पूरा जीरो आता है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। फ्रेंड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही सेम सॉल्यूशन है जो हमने होमोजीनियस में देखा था। तो इस सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो वो जो वीडियो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। देन इसके बाद जो दूसरा इसमें पार्ट है वो है जब वो नॉन ज़ीरो आता है दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो ये नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो नो सॉल्यूशन का केस हम देखेंगे इस वीडियो में, एंड यूनिक सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस केस वन। क्वेश्चन आपको आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, एंड आपको दो इक्वेशंस गिवन है। यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस गिवन है, इसका मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी ए, उसका ऑर्डर 2x2 होगा। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन हमेशा मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से ही बोलकर आएगा, तो इसका मतलब आपने खुद चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा केस अप्लाई करेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं, वही सेम चीज़। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन फॉर्म में रखेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म। मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म के लिए जो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट्स ए में लिख लेंगे, एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे, देन बी इसको लिखेंगे बी मैट्रिक्स, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है। देन उसके बाद ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 4 की मल्टीप्लाई होगी -5 के साथ, देन माइनस बीच में, क्योंकि हम साइन असाइन करते हैं सबसे पहले, देन -3 की इंटू होगी 3 के साथ। सॉल्व करके आया -20+9, डिटर्मिनेंट हो गया -11। सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज इन्वर्टिबल, तो इसका ए इन्वर्स पॉसिबल है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन को। इसके बाद अब हम इसके को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप को फैक्टर्स लिख लेंगे a11, a12, a21, a23। देन साइन असाइन करेंगे, जो जिनका जिनकी पोजीशन का एडिशन ऑड होगा वहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 1+2, 3 होगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, देन यहाँ पर भी माइनस साइन लगाएंगे। को फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए a11 के लिए 1, 1 पोजिशन हाइड करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट मिला -5, तो डायरेक्ट एलिमेंट हमने लिख लिया है। एलिमेंट्स लिखने के बाद एडजॉइंट ए आएगा -5, देन a12 कितना है -3, a21 क्या है 3, a23 क्या है, सॉरी a23 नहीं होगा, ये 2 होगा, a21 है 3, a22 है 4। देन इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स आएगा। ट्रांसपोज करने के बाद ये रो इसका कॉलम हो जाएगा, ये रो उसका कॉलम हो जाएगा, तो हमारे पास ये आया एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स। देन इसके बाद आपने एडजॉइंट ए के बाद ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है, 1/determinant.adjoint A। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर लिए इसके अंदर, हमारा डिटर्मिनेंट -11 आया था, एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स ये है, तो ये हमारा पूरा ऑल ओवर ए इनवर्स हो गया। फ्रेंड्स, इसका इसके बाद आपने इनवर्स निकालने के बाद एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड अप्लाई करेंगे। बाय द मैट्रिक्स मेथड एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट बी, ये होता है हमारा इनवर्स इक्वेशन। ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स के लिए वैल्यू रखेंगे, देन डॉट बी मैट्रिक्स। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, 1 by minus determinant मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो की मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ, -5 × 5, आगे एक और एलिमेंट है तो वो ऐड होगा, देन 3 × 1। ऐसे अगले रो के लिए तो हमारे पास एलिमेंट्स आए -22, -11। इनको आगे सॉल्व करते हैं, 1 by -11 को
हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 2 and 1। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, एंड y का वैल्यू 1 हो गया। हैंस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। फ्रेंड, जब भी आपका बाय मैट्रिक्स मेथड से डायरेक्ट आप सोल्यूशन निकाल देंगे तो उसको हम यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। दूसरा केस देखते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशन आपको गिवन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी राइट द गिवन सिस्टम एज, इस फॉर्म में आप लिख लेंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट के लिए हाइड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे वही साइन असाइन कर देंगे, इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे साइन लगाते हैं। प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये माइनस का 2 है। देन हाइड करने से हमारे पास डिटर्मिनेंट आई 2/2 की, इनको सॉल्व कर लेते हैं। देन 2 × 8, 3 × 3, ऐसे ही बाकियों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 3 × 7, माइनस 1 × 19, माइनस 2 × 1। तो वैल्यूज़ हमारे पास आई 21, माइनस 19, माइनस 2। वैल्यूज़ हमारे पास आई 2 − 2 = 0। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो गया। डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो ये हमारा केस नॉन होमोजीनियस का है। नॉन होमोजीनियस के केस में जब आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो आप चेक करेंगे एडजॉइंट ए निकाल कर, उसकी बी से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है। तो उसके हिसाब से नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट से पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए, हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वही a11 a12 a13, जहाँ जहाँ पे दोनों को ऐड करके ऑड आएगा वहाँ नेगेटिव साइन असाइन करेंगे। ऐसे ही आगे एलिमेंट्स के लिए भी a21 a22 a23 के लिए भी करेंगे। तो वैल्यू सॉल्व होके हमारे पास ये आई है। ये मैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे अगर a11 है, a11 के लिए रो एंड कॉलम हाइड कर दीजिए, जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो डिटर्मिनेंट आप लिख लेंगे उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो ऐसे ही a12 के लिए, ऐसे ही a13 के लिए। तो फ्रेंड्स, आगे के भी एलिमेंट्स ऐसे ही आपने फाइंड करने हैं। देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या आए। एलिमेंट्स आए a1 का 7, a12 माइनस 19, a13 1, a21 माइनस 14, a22 38, a23 माइनस 2। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे आपने साइन भी असाइन करना है, इसको मत भूलिएगा कि आपने साइन असाइन ज़रूर करने हैं। बाकी के एलिमेंट्स आए a31 a32 a33 7 माइनस 19 एंड 1। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपने को फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद एडजॉइंट ए निकालना है। वो कैसे आएगा, को फैक्टर्स को ट्रांसपोज करने पर। तो हमने एलिमेंट्स को उन्हीं की पोजीशन वाइज लिख लिया है, इसका ट्रांसपोज का साइन अभी हम लगा लेते हैं। देन उसके बाद ट्रांसपोज होने के बाद वो एडजॉइंट ए बनेगा। तो ये ट्रांसपोज हमने किया, रो कॉलम बन गया, तो हमारी एडजॉइंट ए हो गई। आपने चेक करना है कि एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करने पर बी से इक्वल्स टू 0 आता है या नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ए डॉट बी, एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है 3 by 3 3 by 1। इसका नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे इसके नंबर ऑफ रोज के साथ, दोनों सेम है, 3 3 है। तो कंटिन्यू करते हैं मल्टीप्लीकेशन। इस रो की मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा और ऐड होता जाएगा। 7 × 7 प्लस माइनस 14 × 8 प्लस 7 × 11। अब फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम हिट किया, आगे कोई कॉलम नहीं तो हम आगे नहीं जाएंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई होके हमारे पास एलिमेंट्स आए 49 माइनस 112 प्लस 77 माइनस 133 प्लस 304 माइनस 209 7 माइनस 16 प्लस 11। इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आई 14, नेक्स्ट की वैल्यू आई माइनस 38 एंड उसके नेक्स्ट की 2। फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो ये एलिमेंट्स आए हैं मल्टीप्लाई करने पर वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है जब एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, तो आप लिख देंगे कि वो नो सॉल्यूशन का केस है। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इनकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, इनका सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें,
हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।